पैसे रहे गाड़ रहे बदनी झोपड़ी बांधी वो टोड़ फेंक दी मेरा बर्तन भीज गया बरसात में अब इधर पड़ी हूँ ना फोन मिला और ना वो जो मोदी ने जो वे खुलवाए वे सरकारी फरकारी के बोला करो वो भी नहीं है मेरे पास तो चार साल मेरे आदमी को मरेगा ना वो पेंशन बनी मेरी तो बरसात आवे भीजा ये चद्दरन का घर है टूट जाती है चद्दर उड़ जाती है खतरा भी हो सकता है इनसे तो यह वजह से छत भी कौन डालें माना राजा की जमीन है ये तो है ना तो मतलब यहाँ रह रहे हैं बरसों से कई कई कोई पचासों पचासों साल से रह रहे लोग बाग यहाँ पे और कुछ मतलब जो आटा मिलता है परमट से वो चयनित परिवार पर वो नहीं मिल रही ना और कोई सहायता मिल रही है गरीब हो यहाँ से दस दस साल से पंद्रह पंद्रह साल हो गई अमन को यहाँ राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है हमारा। राजस्थान विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुका है और पूरे राजस्थान में है पूरी तरीके से माहौल है वो बनेड़ो दिखाई दे रहे हैं क्योंकि चुनाव है इस बार राजस्थान के अंदर बग की समीकरण बहुत ही अलग है और आज मैं मौजूदा विधानसभा के जो क्षेत्र है बट्ठे मौजूदा विधानसभा मौजूदा एक तरफ तो थाने इतनी खूबसूरत इमारत है जकी दिख रही है विधानसभा अठू थाने नज़र आ रही होगी मैं मेरा कैमरा मैन ने बोल चुकी दिखावे और दूसरी तरफ एक बस्ती है जकी दिख रही है जस्ट विधानसभा के पास ही आ एक बस्ती है आते देख सको मैं मेरे कैमरा मैन ने बोल चुकी दिखावे एक तरफ तो आप बात करा विकास की और जो मुद्दा है वहाँ की बात करा दूसरी तरफ से और देखो कि एक तरफ तो इतनी खूबसूरत इमारत है जो बनाई दिखाई दे रही है दूसरी तरफ अठे और जो सरकारी कार्यालय है वह बनेड़ा है अठू थोड़ी सी ही दूर जितना भी पूरे राजस्थान का जितना विधायक है वह को सबका अठे फ्लैट बनेड़ा है और दूसरी ओर आ कच्ची बस्ती विधानसभा का जस्ट पास में ही देख लो आ कच्ची बस्ती दिखाई दे रही है। अब मैं कच्ची बस्ती में जाशा और अठे के लोगों का मुद्दा समस्या और चुनाव में आ की काई भूमिका है आन काई कदी पूछो जावे कि आ की काई परेशानियाँ है आन की परेशानियाँ को सुलझावे भी है या को नहीं सुलझावे ए थान में सारी समस्या है थान तक पहुँचाने की कोशिश कर शा की। अब पास में विधानसभा है और अठे थारी बस्ती है जो घर बनेड़ा है थाना अठे की प्रकार की समस्या है काई थान सुविधा है ई बार अशोक गहलोत बहुत सारी योजना है बे निकाली थान बाऊ कोई को फायदो मिलो कोई भी योजना को तो नहीं मिला भाई है? मेरे को तो कोई फायदा नहीं मिला कोई भी योजना को अन मैं जो फूड पैकेट की योजना ही फोन देने की जो योजना ही नहीं है कुछ ही नहीं मिला ना फोन मिला और ना वो जो मोदी ने जो वे खुलवाए वे सरकारी फरकारी के बोला करो वो भी नहीं है मेरे पास तो चार साल मेरे आदमी को मरेगा ना वो पेंशन बनी मेरी तो। अच्छा अभी तक आपको पेंशन भी नहीं मिल रही है और सब रहे आया हाई कोर्ट भी है आया या हेड ऑफिस में है आया सब रहे आई हम पर नहीं हो जी हम नहीं है तू माँ जा डोल डाल के बैठेगा और अभी और थारी काई काई समस्या आएगी थे यार सोचो कि अगर कोई अठे सीएम बने तो बस थारी परेशानी अब सुलझा कोई नहीं करा सब बने कोई कुछ नहीं करा सीएम बने सब अपने अपने घर ना बना भाया सफाई ने लेके अठे आसपास में काफी देखे सब गंदगी तो डरिए नहीं दिख रही कहीं से पत्ती सफाई की भी बड़ी समस्या है थारे अठे करा देवे पहले बस्ती को कभी सभी गाड़ी वाड़ी कचरा मचरा न उठवा देवे भाई नाले की कोई नाले ना फाले कच्ची को नहीं यहाँ तो सब पानी फेंकते डोला नहीं भर 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 बाल्टीन में टाबरा की स्कूल की कोई समस्या की बच्चा का आने जाने में कोई और कोई कुछ नहीं है मैडम सियावे जी यहाँ पढ़ा में यहाँ बस्ती में अच्छा बस्ती में ही कोई मैडम आवे बस्ती में ही पढ़ावे बारह बच्चा कोई स्कूल कौन जावे कोई कारण क्यों को नहीं जावे स्कूल तो यहाँ तो स्कूल तो है नहीं बाहर अच्छा बस्ती के आसपास अठे कोई स्कूल है कोनी बच्चा के लिए आप मैडम नहीं बना रहा है कोई तो वही पढ़ावे बाहर से आवे बेचारे जन कौन अच्छा जिया कि थे देख लियो अन्य बहुत प्रकार की समस्या है अठे ए बोल रहा है कि जितनी भी योजना है अशोक गहलोत सरकार जो योजना है निकाली है बामू अन्य कोई भी योजना को फायदो कौन मिल रहा है चाहे राशन कार्ड बनवाओ चाहे ए बोल रहा है कि राशन कार्ड भी आंको बनियो को नहीं आंके हस्बैंड ने डेथ होया काफी समय हो गया बने चार साल हो गया फिर भी अभी तक अन पेंशन कौन मिल रही और लाइट की भी समस्या है और भी बहुत सारी चीजें की है अन समस्या है कोई समाधान को नहीं अठमथान अभी जिया आया भी टाइम दिखाया कि सफाई की भी एक बहुत बड़ी समस्या है बोल रहे कि वोट का टाइम तो आ जावे वोट ले ले बिक बाद मारी कोई भी अठे शुद्ध कौन लेवे आगे मैं और लोगों से अठे जान से और था तक बात पहुंचाने की कोशिश कर सा आपकी क्या क्या यहाँ पे समस्याएं हैं और आपको मतलब अब किससे उम्मीद है कि वो अगर सीएम वो शख्स बने आ पार्टी आवे तो थारा थोड़ा विकास हो सके थोड़ी थाना अठे बस्ती में मदद मिल सके
देखो समस्या तो बहुत है हमारे यहाँ पे, पहली बार तो कोई आता भी नहीं है हमारे यहाँ देखभाल करने के लिए। जैसे कि हमारे यहाँ कई कई टाइम तक गंदगी पड़ी रहती है, तो वो नगर निगम के यहाँ से उठा के लेके जाते हैं। और जैसे नाड़े आए हैं, ये हमने नाड़ियाँ बना रखी है, वहाँ से अंदर से पाइप डाल के वहाँ गड्ढा बना रखा है। देखो पूरे उधर से कम 20-30 घरों का पानी पूरा वहाँ पे आता है उस जगह पे। और नहीं यहाँ जगह की सफाई को नहीं, वह सफाई पाई कुछ नहीं होती है, कोई देखता ही नहीं जल्दी से आगे। उधर उधर कचरा पत्थर है, वहाँ से कचरा उठा के लेते हैं, वैसे तो वो उठा के ले जाते हैं, पर हमारे यहाँ क्या नाड़ा डला हुआ नहीं है। और प्लस हमारे यहाँ क्या जो छतें हैं ना, जो यहाँ पे छत बिल्कुल नहीं डालने देते। और अगर कोई कभी ये चीज की मांग, ये चीज की मांग कौन उठाई थान, काई चीज को हवालो दियो गयो, मतलब की ये है कि मतलब कि यहाँ पे मतलब कोई ये कब्जा करा हुआ जमीन है ये यहाँ पे, तो मतलब कि कोई जल्दी सा मतलब कि इससे भी बनाएंगे ना, जैसे कि झोपड़ी बनी हुई है तो इससे भी बनाएंगे। कब्जो की को करेड़ो है, मतलब कौन है कि सरकार बोल रही है कि जो लोग है वह कब्जो कर रखे इस जगह पर। हाँ राजा की जमीन है ये तो, ठीक है ना, तो मतलब यहाँ रह रहे हैं बरसों से, कई कई कोई पचासों साल से रह रहे लोग बाग यहाँ पे। यहाँ पे मतलब कि कई टाइम हो गए हैं, और वहाँ पे भी उस वाली बस्ती में भी ऐसा ही था पहले भी, तो वहाँ पे क्या दो दो मंजिल के मकान बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक मतलब किसी को भी छत वगैरह कुछ भी नहीं डालने दिए। गाड़ रहे बाद नहीं झोपड़ी बांधी वो टोड़ फेंक दी, मेरा बर्तन भीज गया बरसात में, अभी इधर पड़ी हूँ। एक कमरा की व्यवस्था कर दो, मेरे तो वैसे एक झोपड़ी बना लूँगी मैं तो, नेपड़ जाऊँगी। आदमी नशा करता, पैसे नहीं ला कर देता, और ये रहन देते नहीं है, कोई भी भगा देते, उखाड़ के भगा देते मेरी झोपड़ी को, जाओ ना सुनो। हाँ कहीं कहीं प्रकार की समस्या है जो अठे है, थान पास में विधानसभा है, और थे अठे विधानसभा के पास में जो झुग्गी झोपड़ी है थारी बस्ती है जो बनेड़ी है, तो अठे थान कहीं कहीं प्रकार की परेशानियां जकी आ रही है। ये माँ को तो यह परेशानी है, देखो नाड़ा को ना माँ के गई, पानी भरे घरन में, पानी भरे सब जगह हमारे, तो थोड़ा नाड़ा भी डलना चाहिए। ऊपर छत नहीं डालने देते, तो छत क्यों कौन डालन देवे थाना अठे नहीं डालन दे छत, ये कोई यो वकील अकील ने ये बंद करते है, छत नहीं डालते, चादर डालते, चादर टपकती है। सही है समस्या जो तो खेंगे या मकाई है, जब एक बात है पहले की बस्ती में छत डल रही है, तो यह बस्ती में छत क्यों ना डला है, यहाँ में भी डलनी चाहिए छत। यो समस्या अमन को, बरसात आवे भीजा, ये चादरन का घर है टूट जाती है, चादर उड़ जाती है, खतरा भी हो सकता है इनसे, तो यह वजह से छत भी कौन डालन दे माना। लाइट की, पानी की, पानी और की, कोई सुविधा पानी की है ऐसे तो काट देते हैं नड़न को वहाँ से। और बाकी अशोक गहलोत की बहुत सारी योजना है, या अन्नपूर्णा की एक योजना है, फूड पैकेट वगैरह मिले, भाई योजना मिली? हाँ जी मिलती है, बच्चियों के लिए मिलती है, जो फूड पैकेट वाली है 5 किलो आटा, और वो योजना यहाँ तक पहुँची है, उसमें मिली है आपके, मिले मिलती। अच्छा इस बार योजना तो थाने तक पहुँची है, स्कूल में आपकी बार मिली है। अच्छा और कहीं कहीं समस्या है थारी अठे, और कुछ मतलब जो आटा मिलता है परमट से वो चयनित परिवार पे वो नहीं मिल रही है ना, और कोई सहायता मिल रही है गरीब यहाँ से 10-10 साल से 15-15 साल हो गई अमन को, यहाँ राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है हमारा, ये और कागज वागज बनवाए थे और लेन बनवाए हैं हमने भाग दौड़ के, राशन कार्ड नहीं बनवाना हमन को कोई चैनत में, कोई बिल्कुल भी ना कोई हमारे को कोई सुविधा वो नहीं मिलती है, कोई भी सुविधा जो महीने पे मिलता है ना चैनत परिवार को वो सुविधा कोई नहीं मिलती है। जी हाँ की आँखो कहना है कि आँखी बहुत सारी समस्या अठे है, कि सबसे बड़ी आँखी समस्या है कि आ लोगों ने अठे छत को डालनी दी जावे, जे कि मैं कैमरामैन ने बोल सू पीछे जो बस्ती है आ दिखावे, और अठे दिखावे कि जो छत है बा अठे कौन डल रही है, और की तरीकों अठे जो सामान वगैरह है रख रखे है, बहुत सारी परेशानियाँ आँखी है, बहुत सारी परेशानियाँ ए बोल रहे कि पानी भी कुछ समय तक आवे, पानी भी बिक बाद है जो पानी भी अठे बस्ती में आ कौन पावे, लेकिन कुछ योजना को अन फायदो भी मिले है, जी हाँ अन्नपूर्णा योजना को मिले है, लाइट बिल है वो भी आँखों को नहीं आ रहे है, कुछ चीज़ों को फायदों भी मिले तो कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ भी है। लेकिन एक तरफ से आप बात देखो कि एक तरफ तो विधानसभा है जो कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनेड़ी है, बिन जो विधायक है वहाँ का बैठे जो बिल्डिंग बनेड़ी है पूरी की पूरी, जितना भी राजस्थान में विधायक है बस सारा को आवास बनेड़ो है, और दूसरी तरफ आप बस्ती है भी पर कोई ध्यान कौन दियो जा रहे हो बैठे, इतनी ज़्यादा गंदगी है, पानी की व्यवस्था कौन नहीं, आप पर छत ए डालन कौन दे रहा, बहुत सारी समस्या है ई बस्ती की, और आगे भी मैं और थान लेके जा सकें और पूरी जो अठे की समस्या है बात हाँ तक पहुंचाने की कोशिश कर। कौन देखता है अब टीवी?
टीवी पर आपको कितनों ने देखा ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339990549 पर।